गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय खाना खजाना ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोग को खड़े चना की पकौड़े बताऊंगी, जिसके मैंने रात में एक कटोरी चना भिगो दी। इसके बाद हमने जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, ये रात भर भिगोए हुए हमारे चना है, इसको धो के हमने एक बड़े कटोरे में रख लिए। इसके बाद हम इसमें रखेंगे जो एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर, और ये देखिए हमारी चावल की पिसी हुई पिठाड़ी, से हमारे बिहार में कहा जाता है, ये चावल की पिसी हुई है। और इसके बाद हम रखेंगे इसमें जो है प्याज एक, और हरी मिर्च, और इसके बाद एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और इसके बाद हमें है आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और जो है कुछ कलियाँ लहसुन कट किए हुए, और इसके बाद अजवाइन और मंगरेला, जैसे कि मंगरेला कलौंजी कहा जाता है हमारे आप लोग की तरफ, हमारे बिहार में से जो है मंगरेला कहता है। इसके बाद इसे हल्का हल्का पानी के फुहारे से मिक्स करके, और इसके बाद इसे हमें जो इस तरह पकौड़े इस तरह से तलनी है कढ़ाई में तेल रख के और डीप फ्राई। तो ये देखिए हमारे खड़े चने के क्रिस्पी क्रंची ये चना पकौड़ा। तो आप लोग को कैसा लगा मेरे चैनल पे? अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। और तो कैसा लगा ये पकौड़ा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और